आपका IBN 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जवाहरलाल नेहरू कृषि विज्ञान केंद्र कोलीपुरा के माध्यम से हंडिया क्षेत्रों में खेतों में कृषि विभाग द्वारा मूंग का अनुदान बीज जिन किसानों को उपलब्ध कराया गया था उन्हीं खेतों में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवाओं को छिड़कने का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते शनिवार एवं रविवार को हंडिया तहसील क्षेत्र में अतुल तिवारी, अवंतिका प्रसाद तिवारी आदि किसानों के खेतों में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक SK तिवारी ने बताया कि ड्रोन के माध्यम से घंटों का काम मिनटों में होता है। इसमें सबसे खास बात यह रहती है कि किसानों को समय के साथ साथ पानी पर दबाव की भी खासी बचत होती है। हंडिया से अवधेश तिवारी की रिपोर्ट। हरदा जिले में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों के खेतों पर ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि किसान जो है, क्योंकि अभी जब किसान स्प्रे करता है खेतों में दवाएं, कीटनाशी, फफूंदनाशी या फर्टिलाइज़र जो भी स्प्रे करता है, उसमें सबसे ज़्यादा लागत किसान को लगती है श्रमिक की, लेबर की। लेबर की लागत इससे कम होगी और साथ साथ पानी की भी समस्या, जो पानी की मात्रा भी इसमें बहुत कम लगती है, कम पानी और कम समय में, और समय के बचत के साथ साथ ऊर्जा की भी बचत है। तो ये जो श्रम लगता है उसका कम से कम वो लगेगा। सर, ये ड्रोन आम किसानों के लिए उपलब्ध है या नहीं? ये ड्रोन आम किसानों के लिए भी उपलब्ध है, पर अभी हमारे यहाँ केंद्र पर नहीं है। हमने इसको बाहर से किराए पे बुलाया है। अभी मध्य प्रदेश में बहुत सारे ज़िलों में ये उपलब्ध है, जिसको किसान किराए पर उपलब्ध है उसको ले सकता है, लेके स्प्रे कर सकता है। इसकी लागत कितनी पड़ रही है? इस ड्रोन की लागत तो अभी जो ये ड्रोन अभी जिससे स्प्रे किया जा रहा है, एक सागर जिले में FPO है, उन्होंने इसको बनाया है, इसकी लागत 4.5 लाख रुपए है। और नॉर्मली जो कंपनी के ड्रोन हैं वो उनकी कीमत 10-12 लाख रुपए होती है, लेकिन इसको ये इन्होंने खुद से असेंबल किया है और इनको तैयार करके ये स्प्रे कर रहे हैं। हमने कल से आज तक कि कल हमने यहीं गांव में, रुमलाई गांव में मूंग की खेती में लगभग 12-15 एकड़ में हमने डेमोंस्ट्रेशन किया था, स्प्रे किया था। और आज हमने फिर सोनतलाई में सब्जी फसलों में भी, सब्जी के साथ साथ मूंग फसल में भी, और जो भी हमारे ज़िले में फसलें लगी हुई हैं, आज हमने फिर ये मूंग फसल में इसका डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं। और कल से आज तक की जो है लगभग ये 50-60 एकड़ का रकबा इसको कवर किया जाएगा। एक इसमें सबसे बड़ी समय की बचत होती है। नॉर्मली जब छिड़काव वो स्प्रे करते हैं लेबर से तो उसमें समय ज़्यादा लगे, इसमें 5 से 7 मिनट में एक एकड़ का स्प्रे हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रकबा कवर किया जा सकता है और समय बचत की जा सकती है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।